अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्यापारी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। डालते हैं नज़र एक अहम खबर की जानिब। बीजेपी पार्टी की उत्तर प्रदेश में जीत होने पर जामबाग डिवीजन कॉरपोरेटर राकेश जायसवाल ने जश्न मनाया। जामबाग डिवीजन कॉरपोरेटर राकेश जायसवाल ने बीजेपी की जीत होने पर इसका जश्न मनाते हुए तमाम लोगों में मिठाइयों की तकसीम की और खूब पटाखे जलाए। तेलंगाना स्टेट बीजेपी ऑफिस के पास सभी ने खुशियां मनाई। राकेश जायसवाल ने अपने खुशी का इजहार करते हुए तमाम तफसीली मीडिया से खिताब करते हुए बताया। ये देखते हैं सैयद जुबैर की खास रिपोर्ट भी आवानी न्यूज़ से। बीजेपी पार्टी जामबाग डिवीजन कॉरपोरेटर राकेश जायसवाल सेलिब्रेटेड विक्ट्री ऑफ बीजेपी पार्टी इन उत्तर प्रदेश विद बर्निंग क्रैकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स एट तेलंगाना स्टेट बीजेपी ऑफिस। राकेश जायसवाल एक्सप्रेसेस देयर हैप्पीनेस एंड ब्रीफ द मीडिया। ब्यूरो रिपोर्ट फ्रॉम सैयद जुबैर, बियाबानी न्यूज़। इसी तरह की हम खबरों के लिए बियाबानी न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह। मणिपुर में ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के ये विजय है, पूरा भारत का जनता का विजय है। ये असर तेलंगाना में भी आएगा। तेलंगाना में अगले चुनाव कब हो तो तब भारतीय जनता पार्टी जीतने का पूरा आदत है। यहाँ का ये भ्रष्टाचार सरकार है, टीआरएस सरकार, ये कुटुंब का सरकार है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन का सरकार है, गुंडा का सरकार है। इसको फेंकना है वो बीजेपी, वो करेगा जरूर। धन्यवाद। दिनों में तेलंगाना में हम सरकार लग के फिरेंगे, ऐसा कार के सरकार कार को खत्म करेंगे। हम ये लाने का मकसद क्या था? ये लक्ष्य था क्या बोले तो, यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री खबाया कर रहे हैं, समझे ना। इससे पहले लोग आ गया, अरे यूपी में सरकार खत्म हो रहा, क्या क्या कि उनके बच्चे बोले, हमारे उसका कुछ नहीं। अगले साल हमारा यही रहेगा कि तेलंगाना में भी हमारा भाजपा सरकार खिलाने की पूरी कोशिश करे कार्यकर्ता। हम आने वाले समय में क्या कहेंगे इसके बाद? पार्टी क्या है देखो, हमारे पार्टी का सबसे पहले नियत क्या था, एक ही हमारा था कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। ये भी हमारे एजेंडे पे हमारी पार्टी चल रहा और फ्यूचर में हमारी पार्टी यही एजेंडे पे चलेंगे। आप असेंबली में असेंबली कैसे रखते कि एक दूसरे का व्यू जानने के लिए, अरे जानने से पहले सस्पेंड कर, डर रहे हैं हमारे से, भाजपा से डर रहे हैं, इस वजह से उनको अपोजिशन जरूरत नहीं है। उनको मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, तेलंगाना में एजिटेशन करे तो उनको सस्पेंड तो नहीं करा ना, उनको भी बाहर फिरे, कोई अरेस्ट करा क्या नहीं, अरे अगले को बोलने का चांस देना असेंबली में, तो हमारे व्यूज मालूम होता। आने से पहले कुछ जाने से पहले सस्पेंड कर दिया, वो भी क्या बोले, अनकटिंग सस्पेंड है, जब तक बजट है सस्पेंड करके बोले, इसकी भी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। मित्रों को नमस्कार, जय श्री राम। मैं राकेश जायसवाल, कॉर्पोरेटर जामबाग हैदराबाद। आज सारा भारत देख रहा है कि आज चार स्टेटों में हमारा भाजपा सरकार सेकेंड टाइम यहाँ पर राज कर रहा है। आपको मालूम है कि 35 साल के बाद आज सेकंड टाइम यूपी के अंदर भाजपा सरकार आया है। मैं समझता हूं ये ईमानदारी का सरकार है, सच्चाई का सरकार है और भारत को रक्षा करने का सरकार है। आपको मालूम है कि इससे पहले पंजाब में भी चुनाव हुआ, पंजाब में भी हमारा भाजपा का वोट वहां पर शेयर बढ़ गया है। ये सभी को मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे योगी जी का बहुत महत्वपूर्ण इसमें काम रहा, इस वजह से यूपी में सरकार आवा है। इससे पहले भी हमारे केसीआर साहब बहुत बड़े बड़े बातें वो जैसे बोले, मैं समझता हूँ केसीआर का फादर और सन का सरकार है ये, वो जाके नेशनल पार्टी करते बोल रहे। मैं समझता हूँ जिस तरह हम, मैं भी यूपी जा चुका हूँ, यूपी में कम से कम मैं 10 स्टेट फिरा हूँ, तो जब भी हर जगह योगी और मोदी का नेतृत्व चल रहा है। आप देख रहे हैं कि साइकिल पंचर हो चुका है और अपना हाथ भी बूढ़ा हो चुका है, और यूपी में कांग्रेस तो रेस में नहीं था। मैं फिर एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने वाराणसी लेकर उत्तर प्रदेश में कितने रैलियां किया और भारतीय जनता पार्टी को सरकार जिता है। भारत माता की जय। जय श्री राम।